मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि अगर कोहिजन की बात करते हैं, कल्चर कोहिजन की आप बात करते हैं, तो करंट जो स्कूल्स को इशू जो चैलेंज है वो ये है कि मेरी नज़र में चार दीवारी के अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट है, और बाहर जो बच्चा चार दीवारी से बाहर चला जाता है तो वहाँ एक डिफरेंट इन्वायरमेंट को वो फेस करता है। सबसे पहले ये डिफरेंस को हमने कम करनी, ये जो डिफरेंस बच्चा जो उसका कंटेक्स्ट है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो स्कूल में उसको उनको मौका मिलना चाहिए, उसको को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को क्वेश्चन करने का मौका मिल जाए, उसको अपने राय रखने का मौका मिलना चाहिए उन क्वेश्चन। चूँकि आप ऐसे स्कूल में जिसमें बिल्कुल बाहर कोई और इन्वायरमेंट है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है और स्कूल में डिफरेंट है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चे को कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं, किस सोसाइटी के लिए आप तैयार कर रहे हैं, किन को रिप्रेजेंट करेगा वो बच्चा। तो सबसे पहली बात मैं ये कर रहा हूँ कि हम जो एफर्ट्स कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हम इस डिफरेंस को, इस गैप को हम कम से कम करें किसी भी फॉर्म में। तो उसके लिए ये हो सकता है कि कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो इन चीज़ों को ऑन करें, क्योंकि जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं वो जितनी कम्युनिटी ऑन करेगी, जितना आके स्कूल में टीचर के साथ बैठ के प्लानिंग में शामिल नहीं होगी बच्चे के लिए, तो हम लोग उस पर कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, प्लानिंग में इन्वॉल्व करें, बच्चे के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने में इन्वॉल्व करें, बच्चे के इंटरेस्ट वो अगर इंडिविजुअली बात करें कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, इसमें अगर हमारी बात होगी तो हम फिर मैं ये सोचता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि हम इस गैप को एक टाइम पे फिल कर सकें।